हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडियन एडवांस स्टडी। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ राष्ट्र संत टुकड़ो जी देव महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी के बारे में, इसके सारे प्रोसेस के बारे में, कैसे आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, कैसे एडमिशन लेना है, एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है, सब कुछ इस वीडियो में डिटेल से बताने वाली हूँ। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर राष्ट्र संत टुकड़ो देव जी महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी 2022 एप्लीकेशन फॉर्म आउट अप्लाई फॉर हियर टू ऑनलाइन। राष्ट्र संत टुकड़ो देव जी महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी 2022 एप्लीकेशन फॉर्म विल बी रिलीजिंग सून फॉर यूजी एंड पीजी कोर्सेज। आपका यूजी एंड पीजी कोर्सेज के लिए एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो जल्द ही रिलीज़ होने वाला है। तो आपको यहाँ पे एक फॉर्म दिख रहा है, ये फॉर्म आपको फिल कर लेना। अपना नाम, अपना ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, करंट स्टेट, करंट सिटी, इंटर्नशिप कोर्स है जिस क्वालिफिकेशन गेट पर कौन से पे क्लिक कर लेना। इससे आपकी ईमेल आईडी और आपके कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू राष्ट्र संत टुकड़ो देव जी महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी से कोई भी अपडेट या कोई भी नोटिफिकेशन आएंगे तो आपको फ्री ऑफ असेसमेंट्स कर दिए जाएंगे। तो आप इस फॉर्म को ज़रूर फिल कीजिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं इन द ईयर्स 1932 द राष्ट्र संत टुकड़ो देव जी महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी वॉज इस्टेब्लिश्ड बाय द ऑफिशियली अथॉरिटीज। 1932 ईयर्स में आपका ये यूनिवर्सिटी स्टेबलाइज किया गया ऑफिशियली अथॉरिटीज द्वारा राजतंत्र टुकड़ो जी महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी। और नागपुर यूनिवर्सिटी इज़ फॉर्मली नोन एज राजतंत्र टुकड़ो जी महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी। नागपुर यूनिवर्सिटी को हम राष्ट्र संत टुकड़ो जी महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं। राष्ट्र संत टुकड़ो जी महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी लोकेटेड इन इंडिया। ये इंडिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है, राजतंत्र टुकड़ो देव जी महाराज यूनिवर्सिटी, नागपुर यूनिवर्सिटी। यहाँ पे आपको अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और डॉक्टरल लेवल कोर्स, यहाँ पे डिफरेंट कोर्सेज आपको मिलेंगे, सच एज लॉ, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, कॉमर्स, होम साइंस, सोशल साइंस एंड आर्ट्स के। तो यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन में भी देख सकते हैं, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आ चुका है, एप्लीकेशन जल्दी आपका रिलीज़ होगा। क्लिक हेड हो जाए एप्लीकेशन डिटेल्स। एप्लीकेशन डिटेल्स आने के लिए आपको क्लिक हेयर पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आपको के लिए गुड न्यूज़ है, इंडिया के टॉप 5 यूनिवर्सिटी में फुल फ्लो में एडमिशन स्टार्ट है। UPES यूनिवर्सिटी, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, शारदा यूनिवर्सिटी, जीडी गोयनका यूनिवर्सिटी, ये इंडिया के टॉप 5 यूनिवर्सिटी हैं जहाँ पे फुल फ्लो में एडमिशन स्टार्ट है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं एडमिशन लेने के लिए, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है आपको, तो अप्लाई नाउ पे क्लिक करके आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं और एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पे कोर्स कौन कौन सा ऑफ़र किया गया आपको वो बताया गया। अंडर ग्रेजुएट में BSc है, BA है, BEd है, PEd है और BE है, BSc है, IT से, होटल मैनेजमेंट से है, BCom है, BTech है। पोस्ट ग्रेजुएट में आपका MA है, MBA है, LLM है, BTech है, BSc है, BCA है, BE है, LIB है, BEd है, MEd है और MSc है और मास्टर ऑफ फिलोसफी है और डॉक्टरल कोर्स है, PhD है, डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स है। ये कोर्स आपको ऑफर्ड किए गए हैं यहाँ पे। और यहाँ पे आपका इम्पॉर्टेंट डेट्स दिए गए हैं, इवेंट दिए गए हैं और डेट्स दिए गए हैं, जैसे आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो अगस्त 2023 में और लास्ट सबमिशन आपका 20 अगस्त 2023 में ही है। मेरिट लिस्ट, वेटिंग लिस्ट आपका अगस्त में ही आएगा, अभी कोई भी डेट कंफर्म नहीं है, इसकी वजह से यहाँ पे मेंशन नहीं है। आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर चेक करते रहना है, जब डेट आएंगे तो आपको यहाँ पे अपडेट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे बात करते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस की। एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है इसका, राष्ट्र संत टुकड़ो जी महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी 2023 एप्लीकेशन फॉर विल बी रिलीजिंग सून फॉर यूजी एंड पीजी कोर्सेज। यूजी एंड पीजी कोर्सेज के लिए एप्लीकेशन फॉर्म जल्द ही रिलीज़ होने वाला है, तो आपको ऑनलाइन मोड में फिल करना है यूजी एंड पीजी कोर्सेज के लिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, वहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद अपना यहाँ पर ईमेल आईडी और पासवर्ड फिल करके आपको
लॉगिन कर लेना है। उसके बाद अपना फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करना है और किस कोर्स के लिए आपने अप्लाई किया है उसके फिल करना है। उसके बाद अपना सारे इंफॉर्मेशन फिल कर लेने हैं, लाइक अपना पर्सनल डिटेल्स, पेरेंट्स डिटेल्स और यहाँ पे एड्रेस डिटेल्स, डॉक्यूमेंट्स डिटेल्स, सब कुछ आपको फिल कर देना है। उसके बाद आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल के रख लेना है, जो कि आपके फ्यूचर में काम आ सकता है। यहाँ पे अब बात करते हैं यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी। आप एप्लीकेशन फ़ी डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू पे कर सकते हैं। आपको यहाँ पे इस एड्रेस पे आपको भेजना पड़ेगा। यहाँ पे दिया गया है कितने एप्लीकेशन फ़ी लगने वाली, 300 रुपीज़ जनरल कैटेगरी के लिए, रिज़र्व के लिए आपका 200 रुपीज़ लगने वाला है। ऑनलाइन मोड में देना चाहते हैं एप्लीकेशन फ़ी तो आप दे सकते हैं ऑनलाइन मोड में भी, किसी के थ्रू क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI किसी के भी थ्रू पे कर सकते हैं और डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू भी पे कर सकते हैं आप। रजिस्टर यहाँ पे दिया गया है कहाँ पे आपको देना है डिमांड ड्राफ्ट। अब बात करते हैं यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के। एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए? अंडर ग्रेजुएट UG कोर्स के लिए एग्ज़ाम क्वालिफिकेशन, मतलब एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए आपका, 12th पास होना चाहिए किसी भी बोर्ड से और आपका मिनिमम मार्क्स होने चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए 50% और रिजर्व कैटेगरी के लिए 45%। सिलेक्शन क्राइटेरिया आपका मेरिट लिस्ट रहेगा और जो आपका एग्ज़ाम होगा एंट्रेंस एग्ज़ाम, उसी की मेरिट लिस्ट पे आपका सिलेक्शन होगा। यहाँ पे LLB, BEd, BPed कोर्स के लिए दिया गया है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका क्या होना चाहिए इसके लिए, उसके बारे में बताया गया, ग्रेजुएशन होना चाहिए और यहाँ पे जनरल कैटेगरी के लिए 50% मार्क्स होने चाहिए उसमें, रिजर्व कैटेगरी के लिए 45% और यहाँ पे सिलेक्शन क्राइटेरिया आपका मेरिट लिस्ट पे होगा। PG कोर्स के लिए यहाँ पे दिया गया है कौन कौन से PG कोर्स हैं। MTech कोर्स है, इसमें आपका क्या होना चाहिए, BE या फिर BTech होना चाहिए। LLM कोर्स के लिए LLB होना चाहिए आपके पास। MEd के लिए आपका BEd होना चाहिए। MPed के लिए आपका BPed होना चाहिए और MCOM के लिए BCOM होना चाहिए। MPharma के लिए BPharma होना चाहिए। MEd और MS कोर्स के लिए आपका MBBS होना चाहिए और यहाँ पे MDS के लिए BDS होना चाहिए और MSc कोर्स के लिए आपका BSc कोर्स होना चाहिए और MPhil के लिए क्या होना चाहिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका PhD कोर्स होना चाहिए और यहाँ पे आपका मिनिमम उसमें 50% मार्क्स होना चाहिए और रिजर्व कैटेगरी के लिए 45%। सिलेक्शन प्रोसेस आपका PET सेकेंड, जो आपका PhD एंट्रेंस टेस्ट होगा और यहाँ पे PET MPhil के लिए भी है, ये एंट्रेंस एग्ज़ाम जो होगा उसमें आपको क्वालिफाई होना चाहिए और एक्सप्लेनेशन में आपका गेट होना चाहिए या फिर SCT या फिर NEET होना चाहिए या फिर GRF का स्कोर कार्ड। और यहाँ पे एंट्रेंस एग्ज़ाम की बात करते हैं, आपका मंथ दिया गया है दिसंबर में कंडक्ट कराया जाता है। फ्रीक्वेंसी ऑफ द एग्ज़ाम, द एंट्रेंस एग्ज़ाम इज हेल्ड वंस ईयर, इसकी वैल्यू आपको 1 ईयर की रहती है एंट्रेंस एग्ज़ाम की। यहाँ पे PET फर्स्ट के लिए दिया गया है, PET सेकंड के लिए दिया गया है। ड्यूरेशन ऑफ एग्ज़ाम 90 मिनट्स का रहेगा PET फर्स्ट और एंट्रेंस एग्ज़ाम, और सिलेबस यहाँ पे बताया गया है, क्वेश्चन बेस्ड ऑन अ जनरल रिसर्च एप्लीट्यूड, जनरल रिसर्च एप्लीट्यूड के बेस पे आपका सिलेबस रहेगा और क्वेश्चन पेपर MCQ रहेंगे और नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 रहेंगे, टोटल क्वेश्चन आपको 100 मार्क्स के रहेंगे। मार्किंग स्कीम आपका यहाँ पे 1 मार्क्स फॉर ईच करेक्ट आंसर, 1 मार्क्स मिलेगा यहाँ पे प्रत्येक करेक्ट आंसर पे। PET सेकंड का यहाँ पे दिया गया है, टोटल मार्क्स आपका 50 होना चाहिए और 50 रहेगा और यहाँ पे क्वेश्चन 8 क्वेश्चन रहेंगे और एनी फाइव करने रहेंगे। सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा। मार्किंग स्कीम आपका यहाँ पे 10 मार्क्स विच मेकअप टोटल 50 मार्क्स, आपको 50 मार्क्स के रहेंगे और 1 करेक्ट आंसर पे आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। सिलेबस यहाँ पे बताया गया है, न्यूमेरिकल रहेगा, रीजनिंग रहेगा, कंप्यूटर रहेगा, एनवायरमेंट, लॉजिकल रीजनिंग एंड डाटा इंटरप्रेशन। और यहाँ पे मेरिट लिस्ट की बात करते हैं तो मेरिट लिस्ट आपका ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएगा, वहाँ पे आपको जाके चेक कर पाएंगे। मेरिट लिस्ट आपका रिजल्ट के बाद आएगा,
रिज़ल्ट आने के बाद आपको मेरिट लिस्ट आ जाएगा, तो वहाँ पे जिस भी कैंडिडेट के अच्छे मार्क्स रहेंगे उनका यहाँ पे एडमिशन हो जाएगा। मेरिट लिस्ट में आपका नाम रहेगा तो आपका एडमिशन यहाँ पे हो जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे काउंसलिंग की। काउंसलिंग के लिए क्या कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे आपका? एसएससी का मार्कशीट, एसएससी का पासिंग सर्टिफिकेट, एचएसएस का मार्कशीट, उसका पासिंग सर्टिफिकेट, अदर क्वालिफाइंग मार्कशीट और अदर क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, एडमिट कार्ड, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगेंगे। ये डॉक्यूमेंट्स आपको प्रिपेयर करके अपना रख लेना है, जो कि काउंसलिंग के टाइम आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और यहाँ पे जिस भी कैंडिडेट का मेरिट लिस्ट में नाम रहेगा, ये आपने जो एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया रहेगा उसका यहाँ पे एडमिशन हो जाएगा काउंसलिंग सीजन में। आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे चेक करते रहना है कब आपका काउंसलिंग स्टार्ट हो रहा है। तो ये था आपका फुल डिटेल्स। राष्ट्र संत टुकड़ेदेव जी महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी के बारे में अगर अभी भी कोई डाउट हो तो डेफिनेटली कमेंट करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया वहाँ पे जाकर चेक करें। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।